स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, बीसीसीआई ने वर्ष 2021 आईपीएल की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को पुनः दे दी है, यह करार 2023 तक रहेगा। ए पेप्सी, बी कोका कोला, सी वीवो या डी ओप्पो। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर नवनिर्मित कहलगांव व्यवहार न्यायालय का विधिवत उद्घाटन। नवनिर्मित कहलगांव व्यवहार न्यायालय का विधिवत उद्घाटन शनिवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। वहीं समारोह में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शिवाजी पांडे, अश्विनी कुमार सिंह, पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और न्यायाधीश सम्मिलित हुए। मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए संजय करोल ने कहा कि व्यवहार न्यायालय की स्थापना होने से कहलगांव क्षेत्र के लोगों को न्याय मिलने में परेशानी नहीं होगी। सभी लोग अपने स्तर से अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ताकि किसी भी केस को लंबे समय तक न खींचा जाए और पुराने केसों का जल्द से जल्द निपटारा हो। जस्टिस बारे तो मैं वहाँ उस डिस्प्यूट में नहीं जा रहा हूँ। क्या हम जब मुकदमे का निपटारा कर देते हैं तो न्याय हो जाती है? अगर हो जाती है तब तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि मुकदमे का डिस्पोजल से न्याय नहीं होता है। और न्याय क्यों नहीं होता कि 90% केसेस यहाँ से एक्विटल हो ना हो, हाईकोर्ट से एक्विटल हो ना हो, सुप्रीम कोर्ट से एक्विटल हो ही जाएगी, तो सोचने का विषय है क्यों होती है। तो उस विषय का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि फाउंडेशन किसी भी केस का, क्रिमिनल केस का कहाँ होता है, वो फाउंडेशन इन्वेस्टिगेशन होता है। जब FIR करते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि इस केस का अंजाम क्या होगा। बहुत इस बात पे बहस होती है कि हमने तो पकड़ा, जेल भेज दिया, फिर भी छूट जाते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, कानूनी कानून की एक प्रक्रिया है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से एक जुडिशल एकेडमी है हमारे स्टेट में, उस तरह से एक पुलिस एकेडमी स्टेट लेवल पे होनी चाहिए जहाँ प्रशिक्षण होनी चाहिए उन सारे ऑफिसर्स को जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान इतनी सारी कमियाँ रहती है कि अगर उसके ऊपर ध्यान ना दें शुरुआत में तो फिर उसको फिलअप करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काम करते हुए पिछले 30-35 सालों का मेरा अपना अनुभव है, अगर आप लैकुना छोड़ेंगे तो हमारे जस्टिस सिस्टम यही कहता है कि एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल ही इज प्रूवन गिल्टी। तो कब तक, जब तक आप साबित ना करेंगे हर कोई इनोसेंट है, चाहे उसने 10 क्राइम किया हो। साबित करने के लिए न्याय की जो प्रक्रिया है उसके तहत एक CRPC में या जो स्पेशल एक्ट, पॉक्सो एक्ट हो जाए, SC ST एक्ट हो जाए या अन्य तरह के तमाम जो स्पेशल एक्ट्स हैं उनके प्रावधानों का अध्ययन जब तक वो अनुसंधान पदाधिकारी नहीं करेंगे तो वो बेचारे चाह करके भी, आई डू नॉट से कि वो इनका इंटेंट नहीं होता है, देयर इंटेंट इज देयर बट देयर ट्रेनिंग इज मिसिंग। तो पहला पड़ाव वो है। ये हो गई अनुसंधान की बात। तो लोकल लेवल पे चूंकि पुलिस के दोनों वरीय पदाधिकारी DIG और SSP यहाँ हैं, ये मैसेज मैं उनको देना चाहता था। जहाँ तक बात रही हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स का, तो एक कमिटमेंट का जो लेवल होना चाहिए जुडिशियल ऑफिसर्स का,
वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट लैक्स, वो कमिटमेंट का लेवल नहीं है। और वो उसका क्यों लैक करता है मैं नहीं जानता था। अभी हाल फिलहाल में मैं ब्रदर पांडे के बाद JD2 बन गया, तो मुझे लीव की एप्लीकेशंस आती है। तो जब लीव की एप्लीकेशंस हमारे ऑफिसर्स की आती है तो मुझे पढ़ करके हैरानी होती है कि किन किन कारणों से लोग लीव लेते हैं। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आपको कि यू आर डूइंग अ डिवाइन ड्यूटी। ये जो आपका ड्यूटी है ये साधारण सर्विस नहीं है, प्लीज डोंट टेक इट लाइक दैट, इट इज अ डिवाइन ड्यूटी। न्याय कौन करते हैं? आप पहले भी पढ़ेंगे तो भगवान न्याय करता है, एवरीवन बिलीव्स भगवान न्याय करते हैं, भगवान तो आएंगे नहीं हर केस का। तो यू आर द लिम्स ऑफ गॉड, आपको न्याय करने के लिए भेजा गया है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मंडे से फ्राइडे तक काम करूंगा, सैटरडे संडे छुट्टी मनाऊंगा, मैं 12 बजे बैठूंगा 2 बजे उठ जाऊंगा। नो, केसेस फाइल अप कर गए हैं, आपको उनको देखना पड़ेगा। सो व्हेन यू हैव टू हैव योर फुल कमिटमेंट एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द कॉज ऑफ जस्टिस, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब उसके साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा कि नो, हम जो काम कर रहे हैं वो भगवान का दिया हुआ काम है जो मुझे करना है। माई थर्ड मैसेज इज टू द लॉयर्स हु आर प्रेजेंट हियर। यस, लॉयरिंग इज ए प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है, बट ये प्रोफेशन बड़े सिंसियरिटी के साथ और कमिटमेंट के साथ, जैसे हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को करने की जरूरत है, वैसे लॉयर्स को भी करने की जरूरत है। हम सभी लॉयर रहे हैं, 20-25 साल लॉयरिंग करने के बाद, वकालत करने के बाद, तब हमारा एलिवेशन एक जज के तौर पे हुआ है। एक जज, एक वकील के में अंदर जितनी ईमानदारी होनी चाहिए वो किसी जज से कम नहीं होनी चाहिए। जब कभी मुझे शिकायत मिलती है, हम लोगों के पास कंप्लेन आते हैं अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स और अगेंस्ट एनीवन, वो कंप्लेन जब आते हैं तो मेरा पहला रिएक्शन यही होता है कि हमारा कोई भी जुडिशियल ऑफिसर अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उसके पीछे 10 वकील जरूर होंगे। कोई जुडिशियल ऑफिसर अपने से गलती नहीं कर सकता, तो लॉयर्स के अंदर भी ऑनेस्टी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, उनको अपने क्लाइंट के प्रति भी उतना ही दर्द होना चाहिए। इट इज नॉट ए प्रोफेशन लाइक एनी ऑर्डिनरी प्रोफेशन कि दुकान है आप बिजनेस कर रहे हैं, इट इज ए प्रोफेशन वेयर यू हैव टू सर्व द पीपल एंड साइड बाई साइड। यस, ये आपका आजीविका भी चलाता है, आपका काम भी चलता है। सो द लेवल ऑफ कमिटमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए जुडिशियल ऑफिसर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ लॉयर। तो ये तीन चीज हो गए। बाकी हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं, उनके अंदर भी डिसिप्लिन होनी चाहिए, तमाम तरह की बातें हम लोग सुनते हैं। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज टू इंश्योर कि उनके जजशिप में किसी भी तरह की कोई भी गलत काम को प्रश्रय न दिया जाए। सो इन सारे चीजों पर ध्यान रखते हुए अगर इस बिल्डिंग का यूज किया जाएगा तो मेरा मानना है कि वैसे स्थिति में आज के इस इनॉग्रेशन को हम लोग एक सक्सेसफुल इनॉग्रेशन के तौर पे याद करेंगे, अन्यथा एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर है, ये ढांचा खड़ा रहेगा, इसमें लोग आएंगे जाएंगे, हम लोग भी इनॉग्रेशन करके चले जाएंगे, आप लोग यहाँ काम करेंगे, वो एक ऑरा ऑफ द बिल्डिंग जो होता है, एक ऑरा ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, वो कभी नहीं आएगा। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, Honorable Justice Mr. Ashwini Kumar Singh, for letting us know the different procedures of justice and especially for correcting me. Thank you once again, sir. भागलपुर पहुंचे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने बूढ़ानाथ में की पूजा अर्चना। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच बूढ़ानाथ स्थित बरमसिया काली व बूढ़ानाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। बूढ़ानाथ मंदिर में 11 पंडितों द्वारा रुद्राभिषेक करवाया गया। इसके बाद वो पटना के लिए प्रस्थान किए। इस दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
इस दौरान जिला जज अरविंद कुमार पांडे, एसडीएम आशीष नारायण सिंह, डीडीसी सुनील कुमार समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। बूढ़ानाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पुजारी सुनील कुमार ने बताया कि चीफ जस्टिस साहब बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा कर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने फिर यहां आने की बात कही। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आए थे, चीफ जस्टिस साहब आए थे जी जी, पुराने मंदिर में पूजा किए और काफ़ी मन लगा उनको, काफ़ी प्रभावित हुए जी जी। बाबा बृजेश्वरनाथ का पूजा देख करके करा करके बहुत संतुष्टि उनको मिली और फिर बोले कि फिर जब भी मौका मिलेगा भागलपुर आने का तब मैं जरूर बाबा के दरबार में हाजिर लगाने के लिए। क्या क्या आयोजन हुआ अंदर में? अब से रुद्राभिषेक है। कितने पंडित जी? 11 पंडित। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील झा हुआ। एक ही हुआ चलिए। नवगछिया, जगतपतिनाथ महादेव व माता पार्वती के प्रतिमा का हुआ विसर्जन। नवगछिया के गोपाल गौशाला स्थित जगतपतिनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में महाशिवरात्रि के मौके पर स्थापित माता पार्वती एवं भगवान भोले के प्रतिमा का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से किया गया। शनिवार की संध्या 4 बजे प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा बाजे गाजे व ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने प्रतिमा को पूरे शहर में भ्रमण कराया। इसके बाद स्थानीय पोखर में प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। विसर्जन के दौरान भक्तों में हर हर भोले के खूब जयकारे लगाए गए और रंग गुलाल उड़ाए। विसर्जन के दौरान नवगछिया पुलिस विधि व्यवस्था को लेकर साथ साथ चल रही थी। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया नगर पंचायत में सैरात बंदोबस्ती कल, तैयारी पूरी। नगर पंचायत कार्यालय में वर्ष 2021-22 को लेकर सोमवार को सैरात बंदोबस्ती करवाई जाएगी। इसको लेकर नवगछिया नगर पंचायत प्रशासन स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। नवगछिया नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार शुभ ने बताया कि नवगछिया नगर पंचायत के मुख्य बाजार स्थित बाल भारती विद्यालय इंग्लिश मीडियम के पास वार्ड 17 एवं नवगछिया नगर पंचायत कार्यालय के पास वार्ड 15 में स्थित वाटर प्यूरिफायर, नवगछिया बस स्टैंड मांगसहाट वार्ड 22 में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित शिव मंदिर के पास परिसर में स्थित वाटर प्यूरिफायर, वार्ड 16, 17 एवं 18 के सार्वजनिक शौचालय, विज्ञान होर्डिंग एवं 12.89 एकड़ कृषि भूमि का बंदोबस्त खुली डाक के माध्यम से होनी है। 15 मार्च से 17 मार्च तक खुली डाक की स्थिति निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि को 12:30 बजे से सैरात की बंदोबस्ती की जाएगी। बंदोबस्ती को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बंदोबस्ती 1 अप्रैल 2021 से वर्ष 2022 तक के लिए की जाएगी। नवगछिया, जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक तटबंध निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश। नवगछिया एसडीओ से की जांच की मांग। काफी जद्दोजहद के बाद जल संसाधन विभाग द्वारा जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक तटबंध निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया, जिससे इस्माइलपुर प्रखंड वासियों सहित गोपालपुर व रंगरा प्रखंड के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी थी। अब बाढ़ से निजात मिल जाएगा, परंतु विभागीय अभियंताओं की मिली भगत से ठेकेदार द्वारा घटिया तटबंध निर्माण करवाया जा रहा है। मिट्टी के बदले बालू से तटबंध का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। बालू से तटबंध निर्माण कराए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार से किया है। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को तत्काल बालू को हटाकर नए सिरे से मानक के अनुसार तटबंध निर्माण करने का निर्देश दिया है। कटाव निरोधी कार्य की निगरानी व गुणवत्ता की जाँच करने समय समय पर जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय टीम जाँच को आती है। उक्त टीम सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता के नेतृत्व में अनुवीक्षण करने आती है, परंतु अभी तक किसी भी वरीय अभियंताओं ने तटबंध के निर्माण कार्य को देखना भी मुनासिब नहीं समझा है, जिससे इस्माइलपुर प्रखंड वासियों को पुनः बाढ़ की आहट ने सशंकित कर दिया है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। गोपालपुर, स्पर संख्या 5N1 पर कराया जा रहा
बोल्डर क्रेटिंग कार्य धसा, मचा हड़कंप। नौगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा इस्माइलपुर से लेकर बिंटोली के बीच करवाए जा रहे कटाव निरोधी कार्यों के तहत स्पर संख्या 5N1 पर करवाया जा रहा बोल्डर क्रेटिंग कार्य धस जाने के कारण अफरातफरी मच गई। मौके पर कार्य करवा रहे कनी अभियंताओं ने इसकी सूचना जल संसाधन विभाग के वरीय अभियंताओं को देकर फिलहाल वहां कार्य करवाना स्थगित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार स्पर संख्या 5N1 के नोज पर 10 मीटर में NC का बेस बनाकर 9 मीटर में बोल्डर क्रेटिंग कार्य किया जा रहा था, परंतु बोल्डर क्रेटिंग होते ही करवाया गया कार्य धसने लगा। मौके पर मौजूद कनी अभियंताओं ने बताया कि मामले की जानकारी वरीय अभियंताओं को दे दी गई है। वरीय अभियंताओं के निर्देश पर वहीं उनके आलोक में पुनः कार्य शुरू करवाया जाएगा। नवगछिया प्रखंड में 580 बुजुर्ग का किया गया वैक्सीनेशन। नवगछिया प्रखंड में शनिवार को कुल 580 बुजुर्ग व्यक्तियों का कोरोना का टीकाकरण किया गया। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर प्रखंड के साहू परबत्ता जमुनिया एवं ढोलवजा पंचायत में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही एक केंद्र नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में संचालित किया जा रहा है। सभी टीकाकरण केंद्र पर शनिवार को मौसम खराब रहने के बावजूद भी बुजुर्ग लोग टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर शनिवार को कुल 580 बुजुर्ग का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के बाद सभी बुजुर्ग की स्थिति सामान्य है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। ढोलवजा 110 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे दिन APSC ढोलवजा में शनिवार को 45 से 59 एवं 60 वर्ष से ऊपर उम्र के 110 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के टीके लगाए गए। वहीं शनिवार को 160 लोगों ने अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाया। टीकाकरण के दौरान समाज सेवी विनीत आनंद ने सभी के बीच सम्मान पूर्वक खाने को फल भी बांटे। वहीं जिले भर में अपने चिकित्सक कार्य प्रति अव्वल रहे PSC प्रभारी नौगछिया के डॉक्टर वरुण कुमार की सराहना करते हुए वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने धन्यवाद दिया है। रंगरा, चोरों ने किराना दुकान से उड़ाया हजारों का माल। नौगछिया के रंगरा ओपी क्षेत्र के कोशिकीपुर गांव में अज्ञात चोरों ने शुक्रवार और शनिवार के दरमियान रात को एक किराना दुकान से हजारों रुपए के सामानों की चोरी कर ली है। इस बाबत दुकान के मालिक रामदेव भगत ने शनिवार शाम रंगरा थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। रामदेव भगत ने कहा कि दुकान उनके घर पर ही है। 12 मार्च को वो अपनी पत्नी के साथ एक संबंधी के यहाँ चले गए थे, घर पर कोई नहीं था। शनिवार को वे जब घर आए तो देखे कि पूरा दुकान अस्त-व्यस्त है और हजारों रुपए के सामान गायब हैं। वहीं रंगरा के थाना अध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सामानों को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। आपका नाम हो गया? रामदेव भगत। रामदेव भगत, कोसकीपुर। आपका नाम हो गया? मनोरंजन कुमार जायसवाल। मनोरंजन कुमार जायसवाल। आपका? गुलशन कुमार। गुलशन कुमार। तो पता कैसे चला आप लोगों को? आज अभी आए हैं, आए घर, घर आए थे। घर सवेरे आए? कहाँ चले गए? नहीं, अभी जस्ट एक घंटा पहले आए। तो कहाँ चले गए थे आप लोग? अपने बेटे के यहाँ गए हुए थे। तो इनका लड़का कहीं बाहर रहता है? खगड़िया में रहते हैं। अच्छा, उनके यहाँ कोई फंक्शन था? अच्छा, तो वहीं गए हुए थे सब आदमी, टोटल चले गए थे। चलिए ठीक। हाँ, एक टिन तेल है? चार टिन तेल है। चार बोरा चावल है। चूड़ा है एक बोरा चूड़ा। गैस सिलेंडर। हाँ। और यही सब सामान सब। लगभग कितने हजार का सामान गया? 13-14 हजार रुपये का सामान चोरी हो गया। और किसी पे शक आपको? छत पर से फिर नीचे उतर गया तो उस दाग है चप्पल का। CCTV वगैरह भी लगाए थे क्या? गांव में CCTV नहीं, ताला नहीं तोड़ा। आपका क्या नाम हो गया? रामदेव भगत। घर हो गया? कोसकीपुर। घर हो गया। तो क्या घटना हुआ आपके साथ? रात गए थे, कल रात
संबंधी के यहाँ गए हुए थे तो रात में चोरी हो गया दुकान में, दुकान घर में ही दुकान है, घर में ही दुकान है, तो रात में चोरी हुआ, रात में चोरी हुआ, तो क्या सब चोरी हुआ, तेल है, तीन चार टीन तेल। नौगछा के तेतरी से वृद्ध लापता। नौगछा थाना क्षेत्र के तेतरी निवासी रंजन कुमार के पिता गणेश प्रसाद सिंह 85 वर्षीय शनिवार की दोपहर से लापता हैं। वृद्ध के लापता होने के संदर्भ में रंजन कुमार ने नौगछा थाने में गुमशुदगी का आवेदन दिया है। दिए आवेदन में उन्होंने बताया कि शनिवार की दोपहर 2 बजे से मेरे पिताजी गणेश प्रसाद सिंह घर में बिना किसी को सूचना दिए निकल गए, जो शाम तक वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन करने के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। सगे संबंधियों में भी फोन के द्वारा पूछताछ किया गया, लेकिन वे वहां भी नहीं पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पिताजी दिमागी संतुलन उनका ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उनकी खोजबीन करने की आवश्यकता है। उन्होंने नौगछा पुलिस से उनकी खोजबीन करने की मांग की है। नौगछा थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि पुलिस इस संदर्भ में विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। बिहपुर के विक्रमपुर से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर से बिहपुर पुलिस ने भारी मात्रा में 101.200 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर विक्रमपुर निवासी मनोज यादव एवं अभिराज कुमार दोनों बाप बेटे हैं। पुलिस ने मनोज यादव के घर से ही शराब बरामदगी की है। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंती नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। रानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन।